तुझको या तेरे नदीश, गिरीवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश, देहिया मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं हिंदी के भगीरथ साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर विषयक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में सामान्य दर्शकों के लिए जानकारी प्रदान करने का रहा है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम की रोचक प्रस्तुति हेतु कई स्थलों पर विशेषकर उनके आरंभिक जीवन के चर्चा के क्रम में सृजनशीलता एवं कल्पनाशीलता का सहारा लिया गया है। गुड मॉर्निंग नहीं, सुप्रभात। अरे भाई, हिंदी की कक्षा है ये, चलो बैठ जाओ। बच्चों, आज हम हिंदी के ऐसे कवि के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी रचनाओं से पूरे देश को सम्मोहित कर दिया था। वे कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, हमारे राष्ट्रीय कवि। उन्होंने पद्य और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में अद्भुत प्रतिभा दर्शाई थी। नहीं शामू, धीमे चलेंगे तो नाम छूट जाएगी। अरे छूट जाने दे, अच्छा है ना छूट जाए, स्कूल ना जाने का बहाना तो मिल जाएगा। नहीं शामू, मैं स्कूल नहीं छोड़ सकता। माँ मुझे कितनी मुश्किल से स्कूल भेजती है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। और फिर मुझे स्कूल जाना खुद भी तो अच्छा लगता है। क्या कहता है रामधारी, भला किसी भी बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लग सकता है? अच्छा बता, ऐसा क्या है स्कूल में? स्कूल हमें ज्ञान की बातें बताता है, स्कूल जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोलता है। मुझे आगे बढ़ना है सो मैं स्कूल जाऊंगा, तुझे नहीं जाना है तो मत जा। देख अभी नाव खड़ी है, आना है? अब तो आना ही पड़ेगा। इस प्रकार रामधारी ने बहुत कष्ट सहे, पर शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ा। क्यों? क्योंकि वो जीवन में कुछ बनना चाहते थे। बच्चों, मैंने आज जो कुछ भी पढ़ाया आप समझ गए? शाबाश। अच्छा बच्चों, ये बताओ बड़े होकर तुम लोग क्या बनना पसंद करोगे? एक एक करके बताओ। सबसे पहले तुम बताओ। सर, मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर? तुम बताओ। सर, मैं इंजीनियर बनूंगा। तुम? मास्टर जी, मैं वकील बनूंगा। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ रामधारी, तुम बताओ कि बड़े होकर तुम क्या बनना पसंद करोगे? सर, मैं देश का सिपाही बनूंगा। अपनी कलम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, अपनी कविताओं से देश को जगाने का काम करूंगा। बहुत अच्छे।